अरे शर्मा, तुम्हारे गैस मॉनिटर से तो आवाज आ रही है भाई, आगे मत जाना। पर क्यों टोपो, ना तो कोई गैस रिसाव दिख रहा है, ना कोई महक, कोई गैस लीक नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। अरे वही रुको, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। जब गैस पाइपलाइनों के बीच काम कर रहे हो ना, तो गैस मीटर की वार्निंग पर हमेशा ध्यान दो। गैस की मात्रा सुरक्षित सीमा से ऊपर जाने पर काम छोड़कर उस जगह से हट जाओ। अच्छा हुआ गैस लीक पहचान ली। पर टोपो, भविष्य में गैस रिसाव रोके कैसे? पहले तो ब्लास्ट फर्नेस या मिक्स्ड गैस या कोक ओवन गैस लाइनों के हर एक ड्रेन पॉट में पानी का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। ड्रेन पॉट्स में पानी की सही मात्रा होने पर ही गैस लाइन को उसमें चार्ज करना चाहिए। इसके अलावा बीएफ गैस और मिक्स्ड गैस और कोक ओवन गैस के लिए अलग अलग ड्रेन पॉट्स होने चाहिए। मगर ये कैसे इंश्योर करें कि गैस रिसाव कभी हो ही ना? देखो, सुरक्षा का पहला नियम, ड्रेन पॉट्स और गैस पाइपलाइंस का रेगुलर इंस्पेक्शन। दूसरा ये कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसेटिलीन और फ्यूल गैसों से संबंधित सेफ्टी प्रोसीजर का सख्ती से पालन। हाँ, एक चीज और, ये बहुत जरूरी है कि सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉनिटर सही ढंग से कैलिब्रेटेड रहे। मतलब गैस से बचाव का सुरक्षा चक्र पूरा, अब जरूर ध्यान रखूंगा।